My dear student, after studying half life of first order reaction, we will now move on to average life. Average life is denoted by Greek letter tau. Greek letter tau से इसको denote करते हैं. Average life को definition इसमें derive करेंगे हम लोग. We know k equal to 2.303 by t log a upon a minus a. This is kinetic equation of first order reaction. We can write it like this also. अगर हम 2.303 हटा दें, the log will be on base e. We can write it as e to the power kt equal to a upon a minus x. E to the power minus kt will be equal to a minus x by a. तो ultimately आ जाएगा ये 1 minus x by a. We can write it x by a will be equal to 1 minus e to the power minus kt. इस इक्वेशन में हम लोग कंडीशन इंपोज करेंगे. लेट टी इक्वल टू 1 बाई के. टी इक्वल टू 1 बाई के, टाइम जो 1 अपॉन के के बराबर ले लिया, दैट इज के टी इज इक्वल टू 1. Therefore, x by a will be equal to 1 minus e to the power minus 1. X by a equal to 1 minus 1 upon e. From mathematics we know that value of exponential e is 2.718. Therefore, x by a will be equal to 1 minus 1 upon 2.718. On dividing, it will be 0.6371. यहां तक नोट कीजिए. पहले देखिए, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है, उसमें से प्रोडक्ट बन रहा है एक्स. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ए है, उसमें प्रोडक्ट बन रहा है एक्स. तो 100 में से कितना बनेगा? x by a into 100.
और x by a का वैल्यू हमने कितना निकाला है 0.6321 into 100 या आ गया 633.21%। तो यहां पे एक चीज पता चल रहा है कि ये जो टाइम हमने लिया t equal to 1 by k, इसमें कितना परसेंटेज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है 63.21%। और यही कहलाता है एवरेज लाइफ। टाइम इन विच सिक्सटी थ्री पॉइंट टू वन परसेंट रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एवरेज लाइफ। टाउ विल बी इक्वल टू एवरेज लाइफ को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? टाउ से। टाउ इज इक्वल टू वन अपॉन के। अभी पीछे हम लोगों ने देखा था हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ अपॉन 0.693 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन के, और 1 अपॉन के क्या है? टाउ। तो अब देखिए 1 अपॉन के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टी हाफ अपॉन 0.693, और कितना आ जाएगा? 1.44 इंटू टी हाफ। आ गया एवरेज लाइफ, रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ के बीच में रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगा, ये नोट कीजिए। इस तरह से हमने आपको अभी हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ दोनों बता दिया। तो कहने का मतलब, मान लीजिए फर्स्ट ऑर्डर में दिया हुआ है हाफ लाइफ 20 मिनट है, तो एवरेज लाइफ निकालने के लिए क्या करेंगे? हाफ लाइफ को 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज लाइफ आ जाएगा। तो सिंपली आप रख दीजिए वैल्यू 20 मिनट इंटू 1.44, आ गया 28.8 मिनट इसका एवरेज लाइफ आ गया। और इस पर्टिकुलर लाइफ में, इस पर्टिकुलर टाइम में 63.2% रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। हाफ लाइफ में 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और एवरेज लाइफ में 63.2% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए कुछ इसमें रिलेशंस हमें देखने हैं। प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड
for 75% completion of a first order reaction, is double of half-life. That is 3/4 life is double of half-life. It is to be proved. अब देखिए अपने पास यह फार्मूला है, के को क्या लिख सकते हैं, 0.693 बाई टी हाफ। हमें 3/4 कंप्लीशन का टाइम निकालना है, तो टी हमने ले लिया 3/4। अब देखिए यहां से आगे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, पैरेलल दोनों में बता रहा हूं। कहता है 75% कंप्लीशन, जब भी न्यूमेरिकल को परसेंटेज में सॉल्व करना हो, ये 100 ले लो, ये 100 ले लिया, 75% कंप्लीशन होना है, x 75 ले लिया। एक तो ये तरीका है, दूसरा इसके पैरेलल में बता रहा हूं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में सॉल्व करना है 3/4 लाइफ, तो a1 ले लीजिए, 1 - 3/4। तो दोनों मेथड में सेम चीज आना है, log 4 हो जाएगा ये, चाहे इस तरह सॉल्व कीजिए चाहे इस तरह सॉल्व कीजिए। लॉग 4 आएगा, लॉग 4 का वैल्यू होता है 0.6020, नोट कीजिए पहले आप, फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं।
अब ये सिंप्लीफाई करके आ कितना रहा है मैं बता रहा हूं आपको, देखिए 2.0005 आ रहा है जिसको हम लोग क्या ले लेंगे ट्वाइस, पर ये हाफ टी हाफ थ्री फोर्थ लाइफ, हाफ लाइफ का डबल होता है। नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, आप देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन, 99.9% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 10 times of half-life, or prove that time for 99% completion is equal to 10 times of half-life, ये प्रूव करना है। कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखिए, वी नो के इक्वल टू 2.303/T लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स, के को लिख सकते हैं 0.693/T हाफ, तो कंडीशन लगाएंगे व्हेन ए इक्वल टू 100 एंड एक्स इज 99.9 देन टी विल बी टी 99.9%। तो हम पुट करेंगे यहां पे देखिए 0.693/T हाफ विल बी इक्वल टू 2.303 T 99.9% log 100 upon 100 minus 99.9। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व करना हो हमें क्या करना है, ये 100 ले लीजिए और x परसेंटेज कंप्लीशन हो जाएगा। नीचे आ जाएगा 0.1 यानी आ जाएगा लॉग 1000
लॉग थाउजेंड का वैल्यू हो गया 3, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 399.9 आ जाएगा, 9.99 आएगा, जिसको हम लोग 10 ले लेते हैं, डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। आप न्यूमेरिकल के एक दो ट्रिक मैं यहां बता रहा हूं आपको। हमें मालूम है के इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर टी। आर नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कि यहां पर ए से डिनोटेड है। आर टी क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो क्या है? ए माइनस एक्स। देखिए जब न्यूमेरिकल के अंदर फ्रैक्शन रिमेनिंग पूछेगा तो क्या निकालना है आपको? ए माइनस एक्स अपॉन ए, या आपको निकालना है आर टी बाई आर नॉट। ये फ्रैक्शन रिमेनिंग है, बाय चांस परसेंटेज रिमेनिंग पूछ रहा है अगर पूछता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई ए, या इसको ऐसे लिखेंगे आर नॉट माइनस आर टी बाई आर नॉट। मतलब रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ डिवाइडेड बाय इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। परसेंटेज पूछेगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
नोट कर लीजिएगा जल्दी। फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, मैं कुछ करके दिखाता हूं आपको। देखिए एक्सरसाइज 4.19, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन। कैलकुलेट हाफ लाइफ। रिएक्टेंट का 30% डिकम्पोज हो रहा है 40 मिनट में, हमें हाफ लाइफ बताना है। तो देखिएगा, कोई खास बात नहीं है, अपने पास फार्मूला है K=2.303/T log ऑफ A/A-X। K को हम लिख सकते हैं 0.693/T हाफ। यही टी हाफ निकालना है। कहता है 30% कंप्लीशन 40 मिनट में हो रहा है, तो क्या करना है, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन करना हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ए कितना लेना है 100, एक्स कितना लेना है 30, टाइम कितना है 40 मिनट। अब हमें इसको सॉल्व करके हाफ लाइफ का वैल्यू निकालना है। तो लॉग 100/70, मैं लॉग का वैल्यू यहां रख देता हूं 0.1545। अब यहां से टी हाफ निकल आएगा, मिनट। ये आ गया आपका आंसर। तो अभी नेक्स्ट वीडियो सेशन हम और क्वेश्चंस आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद आप लोग करना शुरू कीजिए। अभी तो बेसिक्स हमने बताए, नेक्स्ट वीडियो सेशन में और न्यूमेरिकल्स हम करके आपको दिखाएंगे। टिल देन रिवाइज इट, एंजॉय, हैव ए गुड डे एंड गुड लक।